दोस्तों नमस्कार, मैं अमरेंद्र कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मेरी पाठशाला। इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे योग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे योग क्या है और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपने 10 में कितने प्रश्न का सही जवाब दिया है। सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, पहली बार योग दिवस कब मनाया गया? पहली बार योग दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है ए 12 जून 2015, बी 21 जून 2015, सी 12 जून 2014 या फिर डी 21 जून 2015। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी 21 जून 2015, यानी कि सबसे पहली बार योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले यहाँ पर कुछ टिप्पणी देख लीजिए। 21 जून 2015 को पूरे विश्व में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें करीब 36,000 लोग शामिल हुए। प्रश्न नंबर दो, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में विश्व के कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया? ऑप्शन है ए 74, बी 84, सी 104, डी 94। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए बी 84, यानी कि 84। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में विश्व के 84 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पीएम मोदी के नेतृत्व में करीब 36,000 से अधिक लोगों और 84 देशों के प्रतिनिधियों ने दिल्ली के राजपथ पर योग के 21 आसन किए थे। इस खास आयोजन ने अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया था। प्रश्न नंबर तीन, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी कब मिली? ऑप्शन है ए 11 दिसंबर 2014, बी 10 दिसंबर 2014, सी 8 दिसंबर 2014, डी 4 दिसंबर 2014। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए 11 दिसंबर 2014, यानी कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के प्रस्ताव को 11 दिसंबर 2014 को मंजूरी मिली। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र में 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। दोस्तों याद रखें 177 सदस्यों द्वारा। प्रश्न नंबर चार, 21 जून 2021 को योग दिवस की थीम क्या थी? ऑप्शन है ए योगा फॉर हेल्थ, बी योगा फॉर वेलबींग, सी योगा फॉर वेल बॉडी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी योगा फॉर वेल बींग, योगा फॉर वेल बींग। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले यहाँ पर टिप्पणी, इस साल यानी कि 21 जून 2021 को योग दिवस की थीम योगा फॉर वेल बींग थी, यानी स्वास्थ्य के लिए योग। प्रश्न नंबर पाँच, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की पहल सबसे पहले किस देश ने की? ऑप्शन है ए अमेरिका, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी भारत। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी भारत। योग दिवस को मनाए जाने का प्रस्ताव सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अपने संबोधन में किया था। दोस्तों याद रखें
27 सितंबर 2014। प्रश्न नंबर 6, विश्व योग दिवस का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है योग के अद्भुत और प्राकृतिक फायदों के बारे में लोगों को बताना, बी योग अभ्यास के द्वारा लोगों को प्रकृति से जोड़ना, सी योग के द्वारा ध्यान की आदत को लोगों में बनाना, डी योग के समग्र फायदों की ओर पूरे विश्व भर में लोगों का ध्यान खींचना, ई उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त सभी, यानी कि ऊपर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 7, सातवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है ए 21 जून 2018, बी 21 जून 2020, सी 21 जून 2019, डी 21 जून 2021। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी 21 जून 2021। प्रश्न नंबर 8, 21 जून को ही योग दिवस क्यों मनाया जाता है? ऑप्शन है ए साल का सबसे लंबा दिन होना, बी सूर्य का दक्षिणायन होना, सी सूर्य की रोशनी सबसे ज़्यादा होना, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी कि ऊपर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सारे ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 9, योग के कितने अंग है? ऑप्शन है ए 6, बी 8, सी 10, डी 5। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी 8। योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। प्रश्न नंबर 10, योग का जनक कौन है? ऑप्शन है ए महर्षि विश्वामित्र, बी महर्षि पतंजलि, सी बाबा रामदेव, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि को योग का जनक यानी पिता कहा जाता है। योग को भारत के स्वर्ण युग करीब 26,000 साल पहले की देन माना जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न योग से संबंधित। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिए ताकि वे भी इसका समय से लाभ उठा सके। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लाते रहेंगे आपके लिए इसी प्रकार के नए नए और महत्वपूर्ण वीडियो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए मैं दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।